झांसी के थाना प्रेम नगर क्षेत्र अंतर्गत बिजौली चौकी में विगत 2 और 3 फरवरी की रात को चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें लाइसेंसी रिवाल्वर सहित सोने चांदी के आभूषण भी ये लोग चुरा कर ले गए थे। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी प्रदीप कुमार द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बिजौली चौकी थाना प्रेम नगर की पुलिस सघन चेकिंग अभियान कर रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध चोरों को हिरासत में लिया, जिनके पास से 2 और 3 फरवरी की रात को हुई चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। वहीं इन चोरों के पास से अवैध असलहे भी मिले और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पकड़े गए चोरों में एक नाम संतोष, जो कि निवासाड़ी जिले का रहने वाला है, वहीं दूसरी रक्सा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि और भी कुछ खुलासे हो सके। सर, दोनों जो अभियुक्त हैं, इन पर किस प्रकार के अपराध कायम है? ये फरवरी 2 और 3 की बीच की रात को एक चोरी हुआ है बिजौली में, जिसमें एक लाइसेंस राइफल, जेवरात और नगद चोरी हुआ है। तो इन लोगों को फरवरी 15 को वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनसे ये पता चला कि यही लोग उस दिन चोरी में शामिल थे, और उनसे कई जेवरात बरामद हुई है और नगद बरामद हुई थी। तो हम ये पूछताछ करने पे ये पता चला कि ये उस दिन चोरी से मिला हुआ जेवराती है। ठीक है, हो गया।